Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various educational philosophies, today I am going to discuss logical positivism. हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं तार्किक प्रत्यक्षवाद लिखा है, कहीं तार्किक सकारात्मकवाद है, कहीं कहीं तार्किक अणुवाद भी है. तो आप जिस नाम से चाहे इसको समझ सकते हैं. और अगर आप मूलतः दर्शन के विद्यार्थी नहीं हैं, आप शिक्षा के विद्यार्थी हैं, शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो ये थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट साउंड होगा, पर समझेंगे तो समझ में आएगा. ओके. और नो डाउट इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल. सो लेट स्टार्ट. इमर्जेंस, सबसे पहले कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे बात होने लगी, कौन से वो कारक थे जो इस फिलॉसफी के उद्भव के लिए जिम्मेदार है. तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इमर्ज्ड एट अ टाइम व्हेन द नेचुरल साइंसेज हैड बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड. मतलब जब जो आपके प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे कि आपका साइंस है ना, नेचुरल साइंसेज है, जो बायोलॉजी है, आपका जूलॉजी है, फिजिक्स है, ये सब जब एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया, मतलब एकदम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ विज्ञान है, विज्ञान की महत्ता है, वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया, तब लॉजिकल पॉजिटिविज्म इमर्ज होता है. ऑल दो थिंकर्स इन द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट मूवमेंट, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पर बात की है, डिड नॉट नेसेसरीली शेयर एन आइडेंटिकल डॉक्ट्रिन, दे ऑल डिस्ट्रस्टेड ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी. यद्यपि जो विचारक हैं, जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आंदोलन के विचारक रहे हैं, वो एक डॉक्ट्रिन पे तो सहमत नहीं हो पाए, मतलब एक मत नहीं हो पाए बहुत सारी बातों पे, लेकिन सभी इस पर एक मत हैं कि वो डिस्ट्रस्ट करते हैं, मतलब अविश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, मानते नहीं है. किसको? जो आपका पारंपरिक मेटाफिजिक्स था, तत्वमीमांसा और थियोलॉजी, जिसमें ईश्वरवाद की बात होती थी. तो आपको पता है कि हम लोगों ने इतनी सारी फिलोसफीज तो मेटाफिजिक्स के हिसाब से ही पढ़ी है, कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, सबका मेटाफिजिक्स के हिसाब से पढ़ा है कि उसके हिसाब से तत्व क्या है, लेकिन ये मेटाफिजिक्स को ही नकार देते हैं. ये बात आपको ध्यान देने की है. फिर ये कहते क्या है, ये कहते हैं और मेटाफिजिक्स को क्यों नकारते हैं, आपको आगे पता चलेगा, कि साइंटिफिक नॉलेज इज द ओनली काइंड ऑफ फैक्चुअल नॉलेज एंड दैट ऑल ट्रेडिशनल मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स आर टू बी रिजेक्टेड एज मीनिंगलेस. वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो वैज्ञानिक ज्ञान है वही जो है फैक्चुअल ज्ञान है, मतलब उसके वो फैक्ट है, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं. और सारा जितना भी मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन, मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन में बात क्या होती थी, ईश्वर क्या है, ईश्वर से कैसे मिला जा सकता है ना, इस तरीके की बातें, थियोलॉजी में भी यही बात है. तो वो कह रहे हैं कि वो तो उसको चूंकि ना आप अनुभव कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना जांच सकते हैं, ना वेरीफाई कर सकते हैं, तो वो सब अर्थहीन है. इनके हिसाब से, किनके हिसाब से, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं. इट रेस्ट्स अपॉन पब्लिक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन रादर देन अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंस. यानी व्यक्तिगत अनुभवों से ज्यादा ये किस पर बल देता है या किस पर ये निर्भर करता है, ये कहता है कि जिसको हम वेरीफाई कर सकें, जिसकी हम प्रयोग द्वारा जांच कर सकें, जिसकी हम पुष्टि कर सकें, वही सत्य है, वही ठीक है, बजाय इसके कि जिसका हम सिर्फ अनुभव करते हैं. इट स्टेट्स दैट मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन्स आर नॉट फॉल्स बट मीनिंगलेस. वो कह रहे हैं कि वो झूठ नहीं है पर अर्थहीन है. वो कह रहे हैं कि ग्रेट अनआंसरेबल क्वेश्चंस, वो कह रहे हैं कि वो सारे प्रश्न जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं, कि स्वतंत्रता क्या है, किस मायने में स्वतंत्र कहा जाएगा, ईश्वर क्या है, तत्व क्या है, वो इसलिए अनआंसरेबल है, आर आंसर अनआंसरेबल जस्ट बिकॉज दे आर नॉट जेन्युइन क्वेश्चंस एट ऑल. वो कह रहा है कि प्रश्न ही सही नहीं है तो उत्तर कैसे सही मिलेगा. कौन कह रहा है? हम नहीं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के मूवमेंट के विचारक. और वो कह रहे हैं ऑल जेन्युइन फिलोसफी इज अ क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज. वो कह रहे हैं कि भाषा के आलोचक होते हैं जितनी भी, वो कह रहे हैं जो जेन्युइन फिलोसफी, जो सही मायने में वाकई दर्शन है, वो भाषा की आलोचना करती है. अब ये आपने, अगर आपको एनालिटिकल फिलोसफी पे क्या बात हुई थी वो याद हो तो आपको पता होगा, याद होगा कि एनालिटिकल फिलोसफी को लिंग्विस्टिक फिलोसफी भी कहा जा रहा था, और वो यही कह रहा था कि भाषा में कमी है, भाषा ऐसी होनी चाहिए जो साइंटिफिक हो, उसका एक ही अर्थ निकले और उसमें कोई एप्रिहेंशन ना हो, कोई शक शुबहा ना हो. तो ये सारा इसके उद्भव के पीछे के स्रोत है कि मेटाफिजिक्स को मना किया, साइंटिफिक नॉलेज को सही माना. और क्या किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि
लॉजिकल पॉजिटिविज्म ओरिजिनेटेड इन द जर्मन वर्ल्ड, यानी कि जर्मन में ये उत्पन्न हुआ है, जर्मन विचारकों ने इस पर बात की है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले हाफ में, पहले मतलब पहले 50 सालों में, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम द वियना सर्कल. अब आपको वियना सर्कल क्या है, मतलब बहुत सारे ना सर्कल हुए, जैसे विचारकों का स्कूल, उस तरीके का एक वियना सर्कल सर्कल भी था, उसमें एम श्लिक थे. और बर्लिन सर्कल, देखो वियना सर्कल, बर्लिन सर्कल मतलब जहां जहां लोगों के विचारकों ने एक अपना ग्रुप बना लिया उसको सर्कल कह दिया, तो वियना के सर्कल को वियना सर्कल कह दिया, बर्लिन के सर्कल को बर्लिन सर्कल कह दिया. और बर्लिन सर्कल के कौन थे, हैंस राइकेनबेक. अब ये नाम है, आप चाहे इसको जिस भी तरह से उच्चारित कर सकते हैं. एम श्लिक और हैंस राइकेनबेक जो थे उन्होंने सबसे पहले इस पर बात की, आप कह सकते हैं कि ये मेन प्रोपेगेटर रहे इसके. और तीन तरीके के डेवलपमेंट का ये कन्वर्जेंस है, मतलब उनके मिलने जुलने से बना है. किसका किसका, एम्पिरिसिज्म. एम्पिरिसिज्म वाले क्या कहते हैं, एम्पिरिसिज्म वाले यही कहते हैं कि आप सेंस से एक्सपीरियंस जो करें वही सच है. और मेथडोलॉजी ऑफ एम्पिरिकल साइंस, ठीक. फिर वो कह रहे हैं सिम्बॉलिक लॉजिक एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस, मतलब तीन चीजें, एम्पिरिसिज्म जो आपका मतलब आप कहते हैं अनुभववाद है, मेथडोलॉजी ऑफ एम्पिरिकल साइंस जो एम्पिरिकल साइंस ने अपनी मेथडोलॉजी डेवलप की उसका प्रभाव पड़ा इस पे, और सिंबॉलिक लॉजिक एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस का प्रभाव पड़ा, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, विटगेंस्टीन की बात हम लोगों ने एनालिटिकल फिलोसफी में की थी. तो इन तीन प्रकार के विचारों से ये कन्वर्ज होके मिलजुल के लॉजिकल पॉजिटिविज्म आता है. ये कह रहे हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये वही बात है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में 1920s में ये आया, प्राइमरीली कंसर्न विद द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. देखिए नाम में ही लॉजिकल है, यानी तर्क से चलना है. किसका ज्ञान, ज्ञान क्या कह रहे हैं, वही ज्ञान है जो फैक्ट है, जो वेरीफाइबल है, जो कन्फर्मेबल है. तो वो कौन सा ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान. तो वैज्ञानिक ज्ञान के विश्लेषण का तार्किक ये एक तरीके से ताना बाना है. Which affirmed that statements about metaphysics, religion and ethics are void of cognitive meaning. वो कह रहे हैं कि अगर आप तत्व मीमांसा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो इन सब में कोई कॉग्निटिव मीनिंग है ही नहीं. एंड दस नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स और डिजायर्स. तो वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, हमारे जो भाव हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है. ओनली स्टेटमेंट्स अबाउट मैथमेटिक्स, लॉजिकल एंड नेचुरल साइंस हैव अ डेफिनेट मीनिंग. वो कह रहे हैं कि सिर्फ किन चीजों के डेफिनेट मीनिंग होते हैं, अगर हम गणित की बात करें, अगर हम तर्क की बात करें, अगर हम प्राकृतिक विज्ञानों की बात करें, तो ये इनका हिसाब किताब है कि मेटाफिजिक्स, रिलीजन, इथिक्स वॉइड है कॉग्निटिव मीनिंग, वॉइड ऑफ कॉग्निटिव मीनिंग है, ये मीनिंगलेस है, इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि इनका आप वेरीफाई नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते, इनको प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते, इनका आप अनुभव टच नहीं कर सकते सेंसेस से, है ना. और ये आपका जो मैथमेटिक्स, लॉजिक और नेचुरल साइंस है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको आप प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ इनके सही मायने हैं. और जो लीडिंग फिगर है लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, जिसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, वो है रुडोल्फ कार्नैप. ओके, देन वियना सर्कल. अब जान लीजिए वियना सर्कल क्या है. द वियना सर्कल वाज अ ग्रुप ऑफ साइंटिफिकली ट्रेन्ड फिलोसोफर्स. ये वो दार्शनिक थे जो वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण इनको मिला हुआ था, या वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित थे, एंड फिलोसॉफिकली इंटरेस्टेड साइंटिस्ट. मतलब आप कह सकते हैं साइंटिफिकली ट्रेन्ड फिलोसोफर एंड फिलोसॉफिकली इंटरेस्टेड साइंटिस्ट, यानी उन लोगों का समूह था जो वो फिलोसोफर थे जो जिनका जो बेंट ऑफ माइंड था वो साइंटिफिक था, या वो साइंटिस्ट थे जिनको फिलोसॉफी में इंटरेस्ट था. और इनको लीड किसने किया, मॉरिट्ज श्लिक ने इनको लीड किया. और these thinkers were greatly influenced by recent developments in science. और ये जो विचारक थे वो जो उस वक्त के समाज में विज्ञान में बहुत प्रगति हो रही थी उससे बहुत प्रभावित थे, जैसे कि आइंस्टीन का फिजिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, इन लोग इन सब बातों से ये लोग बहुत प्रभावित थे. और इन्होंने कोशिश की एंड सॉट टू सिंथेसाइज, उन्होंने इन सभी नए विचारों का एक जगह संश्लेषण करने की कोशिश की और एक न्यू फिलॉसफी बनाई. वियना सर्कल प्लेस द हाई प्रीमियम ऑन रीजन, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन ऑफ लैंग्वेज. और ये जो वियना सर्कल के विचारक थे ये सबसे ज्यादा बल देते थे तर्क पे, स्पष्टता पे और भाषा की शुद्धता पे. They wanted to dispel mysticism, romanticism and nationalism. ये mysticism की mystery है, कुछ romanticism है, इन सब बातों को इन्होंने दरकिनार किया. क्लैरिफाइंग टर्म्स, हम कुछ चीजें जान जाएं तब हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म को बढ़िया समझ पाएंगे. तो इसमें है ही क्या चीज, दो चीजें हैं ना. लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अप्रोचेस अपहेल्ड बाय पॉजिटिविज्म एंड सिंबॉलिक लॉजिक, यानी कि जो आपका सकारात्मकवाद है और जो आपका सिंबॉलिक लॉजिक है उसके उन दो उपागमों के कॉम्बिनेशन से बना है. तो दोनों को अलग अलग जान लेते हैं. पॉजिटिविज्म क्या है,
Positivism is a particular school of knowledge which advocates that valid knowledge must be based on the sense knowledge. Positivism कहता है ये ज्ञान की वो शाखा है जो ये मानती है कि जो हमारा वैध ज्ञान है वो जरूर हमारे senses पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जिसको हम अनुभव कर सकें, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें, जिसको हम सुन सकें, है ना, यही तो हमारी senses है. Any knowledge which is not based on senses is meaningless. और पॉजिटिविज्म कहता है कि वो कोई भी प्रकार का ज्ञान जिसको हम अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं वो सब अर्थहीन है. और AF चार्मर्स क्या कहते हैं, हो सकता है कार्लमर्स इनको कहा जाता हो, आई डोंट नो. लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एम्पिरिसिज्म अकॉर्डिंग टू विच थ्योरीज आर नॉट ओनली टू बी जस्टिफाइड बाय एन अपील टू फैक्ट्स एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस बट आर कंसिडर्ड टू हैव मीनिंग ओनली इन सो फार एज दे कैन बी सो डिराइव्ड. वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है एम्पिरिसिज्म का, मतलब सेंसेस से तो ऑब्जर्वेशन एम्पिरिसिज्म में भी होता है लेकिन ये एम्पिरिसिज्म का भी एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी कि उसको भी एकदम दूर तक ले गया है. तो ये मानता है कि सिद्धांत सिर्फ इसलिए तब थ्योरीज आर नॉट ओनली टू बी जस्टिफाइड, मतलब कि सिद्धांत को आप केवल तभी जस्टिफाई नहीं कर सकते जब आप उसको ऑब्जर्व करें, आप उसको तब उसका अर्थ निकलेगा जब आप उसको डेराइव भी कर सकें, जैसे हम लोग ना मैथमेटिक्स में फॉर्मूले डेराइव करते हैं. और रिसोर्स टू लॉजिकल इन लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज ऑन अकाउंट ऑफ देयर एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक. तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का पॉजिटिविज्म ये है और लॉजिकल कहाँ से आया है, सिंबॉलिक लॉजिक से लॉजिकल आया है. वो कह रहे हैं सिंबॉलिक लॉजिक इज डेवलप्ड बाय फॉर्मुलेटिंग लॉजिकल प्रिंसिपल्स इन सिंबॉलिक एंड मैथमेटिकल टर्म्स. सिंबॉलिक लॉजिक में क्या होता है, जो हमारे तार्किक सिद्धांत होते हैं उनको हम सिंबल के फॉर्म में या मैथमेटिक्स के टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं. सिंबॉलिक लॉजिक हैज द एडवांटेजेस ऑफ क्लैरिटी एंड एग्जैक्टनेस एंड एनीथिंग इन साइंस शुड बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक. वो कह रहे हैं कि जो सिंबॉलिक लॉजिक होता है उसका लाभ क्या है कि ये क्लैरिटी होती है इसमें, ये एग्जैक्ट होता है और कोई भी चीज विज्ञान में है उसको आप सिंबॉलिक लॉजिक के टर्म्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो सिंबॉलिक लॉजिक से लॉजिकल आया है, पॉजिटिविज्म से पॉजिटिविज्म आया है, मिला के लॉजिकल पॉजिटिविज्म बना है. थीम्स क्या क्या है इसकी, इन पर ये बेस्ड है. सबसे पहले ये कहता है रिलायंस ऑन एक्सपीरियंस एज अ गाइड टू नॉलेज. वो कह रहे हैं कि अनुभव, they advocated reliance on experience as a guide to knowledge, they postulated that all forms of knowledge should be derived from experience, thereby making it a philosophy of radical empiricism. वो कह रहे हैं देखो empiricism में भी कितने type हैं, radical और बहुत और होंगे. तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब अनुभव पे इसलिए rely करता है कि उसी वही हमको ज्ञान प्रदान करता है. तो ये कह रहे हैं हर प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुभव जन्य है. तो ये एम्पिरिसिज्म का कौन सा टाइप हो सकता है, रेडिकल के टर्म्स में रख सकते हैं आप इसको. ये कह रहे हैं मेटाफिजिकल को रिजेक्ट करते हैं. वो कह रहे हैं दे कुड नॉट बी वेरीफाइड बाय अपीलिंग टू द गिवन फैक्ट्स एंड एविडेंस, इन दिस सेंस दे वर पॉजिटिविस्टिक इन देयर अप्रोच. तो ये मेटाफिजिक्स को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि मेटाफिजिक्स को सेंसेस से आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. फिर ये कह रहे हैं फिजिक्स को इन्होंने सही ज्ञान माना. ये कह रहे हैं कि जो केवल फिजिक्स है वो ट्रूली साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है. एंड द ओनली वे टू ट्रू नॉलेज दस दे प्रोपेगेटेड यूज ऑफ मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन. वो कह रहे हैं प्रयोग सही विधि है, प्रेक्षण सही विधि है. क्यों, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधियां हैं और विज्ञान में भी ये फिजिक्स को ट्रूली साइंटिफिक मान रहे हैं. और ये क्या कह रहे हैं, दे एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन. ऑब्वियसली लॉजिक पे इतना बल है तो वो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन की महत्ता पर बल देते हैं. तो ये इनकी थीम्स हैं, एक्सपीरियंस पे बल है, मेटाफिजिक्स को दरकिनार किया, मना किया, फिजिक्स को सही ज्ञान माना है और लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के इम्पोर्टेंस पे महत्ता है. फिर इसके कुछ फिलोसॉफिकल टीनेट्स हैं जिसपे ये बेस्ड है. तो सबसे पहला क्या है, वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि वो सिद्धांत जिसमें आप जांच कर सकें, जांचने योग्य है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स मेथड ऑफ वेरिफिकेशन. देखिए ज्यादा टेक्स्ट में इसलिए लिखती हूँ कि जिनको थियरी का पेपर करना है और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं उनको टेक्स्ट मिल जाए, है ना. तो आप इसको फिर मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य का अर्थ डिपेंड करता है कि किस मेथड से आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं. जैसे हाउ डू वर्ड्स गेट मीनिंग, शब्दों के अर्थ कैसे निकलते हैं. लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स हेल्ड द व्यू दैट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज द मीन्स बाय विच वी वेरीफाई इट. इन अदर वर्ड्स its meaning encompasses the measurements one would make to determine its truth or falsity. For logical positivist, any statement that are not verifiable are not meaningful. ये कह रहे हैं कि कोई भी statement, कोई भी वाक्य, कोई भी sentence, अगर आप उसकी को verify नहीं कर सकते तो वो कोई अर्थ नहीं रखता है, अर्थहीन है. और वो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के केवल दो स्रोत हैं, लॉजिकल रीजनिंग और इंपिरिकल एक्सपीरियंस. या तो आप उसको तर्क से सिद्ध कर सकते हैं या आप उसको इंपिरिकल, आपने अनुभव किया हो उसको.
वो कह रहे हैं इलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, इसकी तो बात बहुत बार हो गई कि द एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म टुवर्ड्स मेटाफिजिक्स वेल एक्सप्रेस्ड बाय कार्नेप. कार्नेप ने क्या कहा कि जो स्यूडो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो मेटाफिजिक्स के स्टेटमेंट है स्यूडो, स्यूडो माने क्या होता है, आभासी, मतलब वो सही है ही नहीं, उसमें गड़बड़ियां हैं, वो वेरीफाइबल नहीं है, वो आप उसको सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. तो वो कह रहे हैं कि मेटाफिजिशियंस हैं क्या, आर म्यूजिशियंस विदाउट म्यूजिकल एबिलिटी. तो एक मतलब एक कोटेशन है कि वो कह रहे हैं वो मेटाफिजिशियंस जो हैं, जो तत्व मीमांसावादी हैं, वो उस तरीके के संगीतज्ञ हैं जिनके पास कोई संगीत की क्षमता योग्यता नहीं है. लैंग्वेज ऑफ साइंस पे बल है, मतलब लैंग्वेज ऑफ साइंस है ना. According to logical positivism, scientific theory is an axiomatic system that acquires an empirical interpretation only by means of appropriate statements called rules of correspondence. देखिए बहुत बहुत मैंने मतलब easy text आपके सामने show किया है, नहीं तो इसको कई जगह ये और भी क्लिष्ट रूप में था. तो आप इसको जब दो चार छह बार सुनेंगे पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि अब rules of correspondence क्या होता है ना. ये सब चीज़ें अगर आप पहली बार आपके तो थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है. फिर वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ थ्योरी इंक्लूड्स थ्री काइंड्स ऑफ टर्म्स. थ्योरी की लैंग्वेज की भी थ्योरी होती है, कहाँ जानते हैं हम लोग, भाषा का भी सिद्धांत है. तो भाषा का सिद्धांत है, वो कह रहे हैं कि तीन प्रकार के टर्म्स उसमें यूज होते हैं. लॉजिकल टर्म्स, जिसमें सारे मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे. ऑब्जर्वेशनल टर्म, लॉजिकल मतलब तार्किक टर्म्स, ऑब्जर्वेशनल टर्म्स मतलब प्रेक्षणीय टर्म्स, और थ्योरेटिकल टर्म्स मतलब सैद्धांतिक टर्म्स. तो ऑब्जर्वेशनल टर्म्स में क्या आएगा, विच डिनोट ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, मतलब वो वस्तुएं और गुण आएंगे इसमें जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और थ्योरेटिकल टर्म्स में क्या आएगा कि वी कैन नॉट ऑब्जर्व और मेजर, बट वी कैन ओनली इन्फर फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. वो कह रहे हैं कि आप इनको ऑब्जर्व मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इन्फर कर सकते हैं बस. फिर ऑब्जर्वेशनल एंड थ्योरेटिकल टर्म्स, वही जो अभी बात हो रही थी. तो वो कह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जर्वेशनल एंड थ्योरेटिकल टर्म्स डिपेंड्स ऑन द वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल. वही कह रहा है ना कि ऑब्जर्वेशनल टर्म्स वो जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल टर्म्स वो जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं. ये कह रहे हैं कि एन एम्पिरिकल लॉ एक्सप्लेन फैक्ट्स व्हाइल ए थ्योरेटिकल लॉ एक्सप्लेन एम्पिरिकल लॉज. देयर आर थ्री लेवल्स, वो कह रहे हैं तीन स्तर हैं इसके. एम्पिरिकल फैक्ट वो तथ्य जो जिनका आप सेंसेस से ऑब्जर्वेशन कर सकें. सिंपल जनरलाइजेशंस वी कैन डायरेक्टली टेस्ट, जिनको कि आप इंपेरिकल लॉज कहते हैं. और जनरल प्रिंसिपल्स वी कैन यूज टू एक्सप्लेन इंपेरिकल लॉज. ठीक है, एथिक्स की बात क्या है कि ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल इज दैट स्टेटमेंट्स अबाउट इथिकल प्रिंसिपल्स आर नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, दे आर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. देखिए कि ये रिलीजन को मना कर रहे हैं, इथिक्स को भी सही नहीं मान रहे हैं, मेटाफिजिक्स को गलत मान रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि और ये क्या है, वेरीफाइबिलिटी प्रिंसिपल का कॉन्सिक्वेंस है, मतलब कि जांचने योग्य सिद्धांत का परिणाम है. क्यों, क्योंकि आप इसको जांच नहीं सकते ना. तो ये कह रहे हैं कि इथिक्स ना सही है ना गलत है, वो क्या है, सिर्फ आपकी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है. देयरफॉर ए थ्योरी ऑफ इथिक्स इज इम्पॉसिबल. तो वो कह रहे हैं इसीलिए इथिक्स की कोई सिद्धांत देना असंभव है. वो कह रहे हैं ए पर्सन ऑलवेज प्रिफर्स दोज कंडीशंस दैट डू नॉट प्रोड्यूस पेन और प्रोड्यूस प्लेजर. वो कह रहे हैं कि अब इथिक्स के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो कह रहे हैं कि व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि वो उस तरीके की दशाएं उत्पन्न करें जिसमें कष्ट तकलीफ ना हो और खुशी हो, यही इथिक्स है इनके हिसाब से. गुड इज वॉट एवर गिव्स प्लेजर एंड नो पेन. वो कह रहे हैं अच्छाई क्या है, वो सब कुछ जो आपको खुशी देती है और दर्द नहीं देती, तकलीफ नहीं देती. तो कुछ कुछ यहाँ पे ये प्रैग्मेटिज्म के समकक्ष हो गए है ना. गुड इज दस इक्विवेलेंट टू बेनिफिशियल. वो कह रहे हैं अच्छा वो है जो लाभदायक है. तो ये इनके लिए इथिक्स की डेफिनेशन है. फिर इनका क्रिटिसिज्म भी है बहुत, क्योंकि पूरी तरीके से इन्होंने मेटाफिजिक्स को मना कर दिया और इतनी सारी फिलॉसफी मेटाफिजिक्स पे बेस्ड हैं, तो इसके बहुत क्रिटिक भी हुए. वन ऑफ द फोरमोस्ट क्रिटिसिज्म्स वाज दैट लॉजिकल पॉजिटिविज्म रेंडर्ड सर्टेन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक पोएट्री, इथिक्स एंड थियोलॉजी मीनिंगलेस फॉर दे आर अनटेस्टेबल. ये पोएट्री, इथिक्स और थियोलॉजी को अर्थहीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं आप उसकी जांच नहीं कर सकते, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते है ना. तो ये इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जिसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे वो गलत हो जाएगा. Another point of criticism for logical positivists was the status of verifiability principle. फिर however the logical positivists were confronted with the problem of reflexivity. ये आप अगर आपको वो करना हो, क्या नाम है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो, तो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है. बाकी आपकी समझ के लिए क्या है कि ये सिद्धांत जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ये क्या है, क्योंकि साइंस उस वक्त समाज में बहुत आ रही थी, नेचुरल साइंसेस की बहुत बात हो रही थी, तो ये साइंस को इसने सही माना. उसने कहा सिर्फ वो चीज सत्य है, वो बात सही है जिसका कोई अर्थ निकल, वही अर्थपूर्ण है जिसको आप जांच सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसका आप परीक्षण कर सकते हैं, जो परीक्षणों द्वारा प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो. हम लोग साइंस में क्या कहते हैं, इति सिद्धम
हेंस प्रूव्ड, हर सवाल यहीं खत्म होता है ना, वो कहते हैं सिद्ध कीजिए कि ये ऐसा 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 है, और लास्ट में हम सवाल हल करके कह देते हैं इति सिद्धम। तो ये उसी पे बेस्ड है कि जिसको हम सिद्ध कर सके वही सच है, बाकी सब इन्होंने गलत कहा। मेटाफिजिक्स सही नहीं है, थियोलॉजी सही नहीं है, गॉड्स की बात नहीं है, रिलीजन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सिद्ध करने योग्य नहीं है। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म का पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म से आया है, और लॉजिकल सिंबॉलिक लॉजिक से आया है, इसीलिए ये कहीं कहीं लिंग्विस्टिक फिलोसफी की भी बात करते हैं। तो ये बड़ा बड़ा गूढ़ है, बहुत इसके लेयर्स है। तो आपको बहुत डिटेल, चूंकि हमको एक टॉपिक पढ़ना है, तो हम लोग फिलोसफी के स्टूडेंट्स तो नहीं है, तो हम लोग का काम इससे चल सकता है, पर दर्शन के विद्यार्थी इसमें बहुत 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 कुछ और जानते पढ़ते पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो आई मस्ट फील कि आपको समझ में आया होगा, आपका आपको कई बार सुनने पर जरूर समझ में आ जाएगा अगर पहली बार में नहीं आया है तो, और उस पर पढ़ने के लिए इतना टेक्स्ट अवेलेबल है, आप पढ़िए। सो आई हैव कवर्ड दिस वन फिलोसफी टू। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।